हो गया। आलम यह कि गर्मी की वजह से मानव जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके साथ ही पेड़ पौधे भी मुरझा रहे हैं। इस गर्मी से पेड़ पौधों को बचाने के लिए नगर निगम कई साल से मियावाकी तकनीक के सहारे पेड़ों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। मियावाकी तकनीक से शहर में पार्क और जंगल डेवलप किए गए हैं, जहां का तापमान शहर के तापमान से 5 से 6 डिग्री तक कम होता है। नगर निगम के उद्यान अधीक्षक वीके सिंह ने बताया कि शहर के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए शहर में जापानी तकनीक से इस तरीके के वन तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक कानपुर शहर में 11 पार्क बनकर तैयार हो गए हैं। 2 नए पार्कों के लिए स्थान देख लिए गए हैं। मियावाकी तकनीक की बात की जाए तो ये एक जापानीज तकनीक है। इस तकनीक में छोटे छोटे स्थान पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बेहद कम समय में घने वन तैयार हो जाते हैं। इस तकनीक में अर्जुन, शीशम, गोल्ड मोहर, पिलखान, जामुन, शहतूत, मेहंदी, अशोक, पीपल, चंपा आदि के पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे एक खास तकनीक के तहत लगाए जाते हैं, जिससे ये तेजी से बढ़ते हैं। कानपुर में मौजूदा समय में इस तकनीक के 11 पार्क मौजूद हैं, जो सरायमीता केशव पार्क में है, सरायमीता अखाड़ा पार्क के सामने, गुप्तार घाट में, रत्न शुक्ला इंटर कॉलेज में, विजयनगर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क में, अम्बेडकर पार्क पनकी में, ट्रैफिक पार्क विजयनगर में, शनिश्वर मंदिर की ग्रीन बेल्ट में, शेखपुरा के जाना गांव में ये पार्क बनाए गए हैं। इस गर्मी के मौसम में घरों में लगे पेड़ पौधे को पानी देने का सही समय सुबह और शाम होता है। लगातार पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें मानव जीवन को और पशु पक्षियों को साथ साथ पेड़ जो है उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं। कई सारे पेड़ ऐसे हैं जो मुरझाए भी जा रहे हैं और तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ उद्यान अधिकारी, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो लगातार पिछले कई महीनों से इसको लेकर काम कर रहे हैं और शहर में कई उन्होंने अच्छे जंगल भी बसाए हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वीके सिंह, उद्यान अधिकारी कानपुर नगर। लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उससे अब तो आम जनजीवन में प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं, तो कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, पेड़ पौधे बचाने के कई तरीके होते हैं। गर्मी के समय में सबसे बड़ी जरूरत है कि जो स्ट्रेस कंडीशन प्लांट्स में डेवलप हो जाती है उसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो जनमानस में एक आम धारणा होती है कि जितने हम पानी डालेंगे पौधे के, पौधे उतने बचेंगे। ये धारणा मतलब तकनीकी के विरुद्ध है। इसमें क्या है कि जैसे गमलों में जो अपार्टमेंट में जो निवासी रह रहे हैं अक्सर पानी ज्यादा डाल देते हैं, दोपहर के समय डालते हैं। पानी डालना गलती नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत होती है। वो टाइमिंग अगर सुबह के समय डालें या शाम के बाद, जब भीषण गर्मी पड़ती है तो सबसे बेस्ट समय सुबह का होता है, जो सूर्योदय के जब शुरू होती है उससे जो है उस समय डाल देने से। शाम के समय डालने से भी फायदा होता है, लेकिन कभी कभी छोटा नुकसान होता है। जब पानी जब आदमी ज्यादा डाल देता है तो नमी के कारण बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उस वजह से बेस्ट समय सुबह ही का होता है। इस भीषण गर्मी में आम नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि गमले में जो भी सिंचाई कर रहे हैं अपने पौधों को, उसको जो है सुबह के समय डालें और जब मिट्टी सूख जाए तब डालें। अनावश्यक रूप से गमलों में ज्यादा पानी न रखें, उससे भी नुकसान होता है पौधों का। अच्छा, लगातार आप पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं कि आप जंगल पे काम कर रहे हैं और शहर में कई सारे जंगल भी बसाए हैं, उससे क्या फायदे लोगों को होंगे और क्यों जरूरी है? देखिए, जंगल जो है एक नया तकनीकी मियावाकी तकनीकी आई है और इसका सफल प्रयोग उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानपुर नगर निगम ने ही किया था 2020 में, और उसकी रिजल्ट और उसके पौधों की जीवित प्रतिशतता, और 3 साल में ही हमने 6 जंगल तैयार कर दिया है। 2 जंगल अगले साल तैयार हो जाएंगे और 2 जंगल और हम लोग तैयार करने के, 2 नहीं 4 जंगल और तैयार करने की प्रोसेस में है। इस विधा में ये होती है कि इसमें क्या होता है, देखिए एक जनरल टेक्निक भीषण गर्मी से पौधे को बचाने, क्या होते हैं कि सूर्य को जमीन पर आने से रोका जाए। इसमें जब हम घने रूप से प्लांटेशन करते हैं तो उस समय जो पौधे की जो ग्रोथ होती है उससे सूर्य की नमी जो है नीचे जमीन पर आना अपने आप 1 साल बाद रुक जा रही है। दूसरी चीज मैं मल्च का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो जमीन पर जो मल्च बिछा दें तो सूर्य की डायरेक्ट रोशनी
वहां से टकराते हुए वापस चली जाती है, वाष्पोत्सर्जन जो होती है पौधों में उसको कम करती है। दूसरी चीज देखिए, अगर ज्यादा हम पानी डालें और सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट अगर होता है तो वाष्पोत्सर्जन जब ज्यादा होता है तो आपने देखा होगा पौधों में सूखने की प्रवृत्तियां आती है, किनारे किनारे से पहले सूखते हैं फिर लास्ट में पूरी पौधे सूखने की स्थिति होती है। तो ये ज्यादा पानी देने का भी होता है, नुकसान इससे होता है। और मियावाकी पद्धति से इतनी अच्छी पद्धति है कि इसमें पानी का बचाव भी होता है, पौधों की जीवित प्रतिशतता भी बढ़ती है, और अगर नगर निगम ने जितने जंगल विकसित कर दिए उस जंगल में कोई भी निवासी जाकर अगर घूम ले, घूमने के बाद वो देखेगा कि टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री अपने आप कम हो जा रहा है। जो हम बाहर चिलचिलाती धूप में सन बर्निंग का एहसास करते हैं, वहां पर हम लोग शीतलता का अनुभव होता है। साथ ही साथ पशु पक्षियां जो उसमें हैं उनकी आवाज, मधुर आवाज भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़े अपने मतलब डेली रूटीन के कार्यों में, जैसे हम पानी डालने में सुधार अगर ला दें, सुबह के समय पानी डालें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही पानी डालें, ज्यादा पानी डालने से भी पौधों को नुकसान होता है। तो इस थोड़ी थोड़ी कमियों को हम अगर दूर कर लेंगे तो हम लोग पौधों को बचाने में आगे आ जाएंगे। ज्यादातर लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर पेड़ काटते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी लोगों को इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। किसी प्रकार का डेवलपमेंट करें, लेकिन उसके आसपास पेड़ों का भी डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे शहर के वातावरण में सुधार होगा, साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट लाने में कारगर साबित होगा। एक रूल्स बन जाए कि अपार्टमेंट के सारे छत ग्रीन छत होंगे, चाहे गमले से करें चाहे अन्य कई तकनीकी आती है उस वजह से करते हुए अगर ग्रीन छत बनाए, या हमने अपने अपार्टमेंट या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो ग्रीननेस को हम लोग ध्यान रखें, चाहे जमीन का हो चाहे छत का हो, अगर उस पर हम ग्रीन स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हो सकता है पौधों से भी किया जाता है कभी कभी, जो कुछ नेचुरल चीजों मतलब अननेचुरल चीज प्लास्टिक से भी उपयोग करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें लोग, केवल पौधों का उपयोग करें, जिससे कि सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट हमारे छत पर भी पड़ती है वो गर्मी को बढ़ाती है, पौधों पर पड़े पौधों से परावर्तित होकर ऊपर चली जाए, जिससे गर्मी का प्रकोप जो है शहर जो हीट वेव्स बन गए हैं शहर के, शहर मतलब गर्मी से एकदम तप रहा है, उस तपन को दूर करने का है कि हम सड़क को भी देखें ग्रीन बनाएं, अपार्टमेंट को भी ग्रीन बनाएं, जो भी ग्रीन हम स्ट्रक्चर डेवलप व्यवसायिक कोई प्रतिष्ठान हम डेवलप कर रहे हैं वहां पर हॉर्टिकल्चर का समावेश मतलब पेड़ पौधों का उपयोग करना मस्ट कर दिया जाए, तभी जो है हम शहर को गर्म होने से बचा पाएंगे। उद्यान अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि लगातार जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है उसकी मुख्य वजह यही है कि लोग जो आजकल प्रकृति से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट किया जाए वहां पे विशेष इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां पे पेड़ जरूर लगाए जाए आसपास, चाहे वो बिल्डिंग बन रही हो चाहे ऑफिस बन रहे हो या कोई और अन्य कोई चीज डेवलपमेंट किया जा रहा हो, लेकिन वहां पे जो पेड़ है पेड़ पौधे की जरूरी हरियाली जरूर आसपास बनती रहे, जिससे तो वातावरण तो शुद्ध होएगा ही और जो टेम्परेचर है उस पर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी।